अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और इसकी फाइनल लुक मैंने पहले ही अटैच कर दी। अब सबसे पहले हम प्याज जब थोड़ा कलर चेंज कर लेगा ऑयल में, उसमें चिकन और मोटी इलायची के साथ दालचीनी ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने मिक्सचर एक साथ ही बना लिया था, टमाटर, हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक का ये ऐड करके इसको थोड़ा सा इसमें जो है इसको चिकन को भूनने के साथ ही मैंने राइस बॉयल कर लिया था, इसका क्लिप था। और ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। चिकन के नोट की दो मैंने क्यूब्स ली थी और ये इमली और आलू बुखारा थोड़ा टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए। ये सारे स्पाइसेस जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैंने नेशनल मसाला यूज़ किया था, एक पैकेट इसमें डाला था और हाफ पैकेट लेयर्स में, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, शान का भी अच्छा है लेकिन इसका भी बहुत अच्छा है। साथ ही मैंने गार्निशिंग के लिए प्याज जो है वो डार्क गोल्डन फ्राई किया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया था लेकिन अच्छा था, सही टेस्ट था। और ये गार्निशिंग की चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने इस पर तीन लेयर्स लगाई थी और इसको इस पर कलर ऐड करके इसको दम दे दिए। अच्छी दम जो है वो खुल गया था, खिले खिले चावल, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनती है। साथ मैंने सिंपल वेजेस कट करके सैलड बना लिया था और मुझे इसकी फाइनल लुक बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रायता सैलड और बिरयानी, सिंधी बिरयानी है, बहुत मज़े की बनती है। ऑलमोस्ट सबको बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, जिनको बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती उनको पुलाव ज़रूर अच्छा लगता है और बहुत अच्छी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।